फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन कुजीन में। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट, नमकीन सेवैया और बहुत ही हेल्दी सा रिप्लेसमेंट है मैगी और नूडल्स का। बच्चों को ऐसी चीजें बहुत ही पसंद होती हैं, तो आज हम इन्हें एकदम हेल्दी वे में बनाएंगे। वीडियो अगर देखने के बाद पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, उसमें सबसे पहले मैं ग्राउंड नट को सेक लूंगी। तो जो मूंगफली होती है जैसे आप पोहे के लिए सेक के रखते हैं ना, वैसे ही बस मैंने सेक लूंगी। और सेकने के बाद इन्हें साइड में निकाल के इसी ऑयल में मैं कैश्यू नट को भी सेक लूंगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इन्हें यूज करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। पर बच्चों के लिए काफी हेल्थ पोर्शन ऐड हो जाता है खाने में, तो आप ट्राई करें कि यूज करें। काजू भी अच्छे से सिक चुके हैं, इन्हें मैंने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद में ऑयल को कर देंगे थोड़ा कम, और उसके बाद में डाल देंगे एक कटोरी सेवैया। वैसे तो ये पहले से ही रोस्टेड सेवैया है, पर इन्हें थोड़ा सा और अगर आप ऑयल में सेक लेंगे तो इससे क्या, एक तो फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा और ये चिपकी चिपकी नहीं बनती है। यहाँ पे मैंने सेवैयों को अच्छे से सेक लिया है, और उसके बाद में क्या करेंगे, पानी गर्म होने रख देंगे, उसमें डाल देंगे नमक। 1.5 चम्मच में नमक यूज कर रही हूँ। उसके बाद में इसमें रोस्टेड सेवैयों को डाल देना है, और इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए हम पका लेंगे। हाई फ्लेम पे ही इन्हें बॉईल करना है, बहुत ही जल्दी ये पक जाती हैं। यहाँ पे हम इन्हें साइड में पकने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, जो सब्जियां हैं सेवैयों के लिए हमें यूज करनी है उनको हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है 2 बड़े चम्मच। उसमें 1 छोटी चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा, और 1 छोटी चम्मच मैंने डाल दी है राई। यहाँ पे 1 छोटा कटा हुआ प्याज मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद में इसमें डाल दूंगी मैं हरी मिर्च। तो आप जितना तीखा बनाने वाले हैं उतनी यूज करें, मैंने 1 ही हरी मिर्च यूज की है। इन सभी चीजों को अच्छे से सिक जाने देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम आलू। तो पहले आलू को डाल देंगे, क्योंकि आलू को पकने में लगता है टाइम। तो मैंने एक आलू को काफी छोटा छोटा, आप देख सकते हैं, स्क्वायर शेप में काटा हुआ है। छोटा काटने से क्या होता है, एक बहुत ही जल्दी पक जाएंगे, नहीं तो इनमें बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, तो 1.5 चम्मच मैंने नमक यूज किया है। नमक को आप आलुओं के साथ में डाल देंगे तो आलू बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और 1 टोमेटो काट लिया था, उसे डाल दिया है। इसे हल्का सा भून लेंगे इस तरीके से चलाते हुए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। उसके बाद में 1/2 कटोरी मैंने मटर डाल दी है। मटर हो तो यूज करें, नहीं हो तो अवॉइड करें। इन सभी चीजों को हल्का सा हमें पका लेना है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम मसाले। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच ही मैंने गरम मसाला यूज किया है। बहुत ज्यादा मसाले मैंने यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि इनका सब्जी जैसा टेस्ट ना हो जाए। यहाँ पे मैंने काजू और जो ग्राउंड नट है उनको डाल दिया है। उसके बाद में 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है। टोमेटो सॉस से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम खट्टा मीठा। उसके बाद में डाल देंगे इसमें सेवैया जो हमने उबल जाने के बाद में छान के रख दी थी अलग। इनको डालने के बाद में इस तरीके से चलाते हुए हम इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। आप देख सकते हैं बनके तैयार है, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और ये जो सेवैया रहती है ये सूजी की होती है, तो ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो आप भी ये बनाएं, बच्चों को खिलाएं और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।